देख सकते हैं ये काफी अच्छे कबूतर हैं जी, ये देख सकते हैं भाई ने बहुत ही अच्छे ब्रीड्स की कलेक्शन की है। ऐसा दूसरा नंबर तीसरा नंबर बैठा था 1:55 इसको स्टैंप लगी हुई है 4:00 था। जी दोस्तों क्या हाल चाल है सब भाइयों का, तो सबको मेरा नमस्कार आदाब और सत श्री अकाल। तो आज हम आए हैं जी दीवानगढ़ सोनू भाई के पास और काफ़ी अच्छे कबूतर रखे हैं भाई ने और इन्होंने हाल ही में एक टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था उसमें फर्स्ट पोजीशन में आए हैं। शुभम शर्मा के नाम से एक टूर्नामेंट हुई थी, शहीद शुभम शर्मा उनके नाम से टूर्नामेंट हुई थी, तो बॉर्डर टूर्नामेंट थी ये। इसमें 16 बंदों का पार्टिसिपेट था, इसमें 16 बंदों ने हिस्सा लिया था, तो जिसमें सोनू भाई फर्स्ट पोजीशन में इन्होंने नाम हासिल किया और इसमें सेकंड नंबर में बिक्की भाई है बेगेंगे बेगा गांव में इधर ही हमारे बॉर्डर में आरसपुरा वाली साइड। तो थर्ड पोजीशन में बाबा तोता जी आए हैं सही कलान से, तो मैं तीनों को अपनी तरफ से मुबारकें देता हूँ जी हमारे व्यूवर्स के तरफ से भी, और जिस भाई ने पार्टिसिपेट किया था उनको भी मुबारकें देता हूँ कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, वो भी बहुत बड़ी बात होती है हिस्सा लेना और ऐसे ही इंजॉय करना चाहिए, टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहिए, शौक को बढ़ाना चाहिए। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कितने घंटे बनाए थे सोनू भाई ने और उनसे भी हम आपका मुलाकात करवाएंगे और इनके कबूतरों को भी हम आपको शो करवाएंगे जो इन्होंने बाजी में उड़ाए थे। तो आप हमारे साथ एंड तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना और वीडियो को शेयर भी करना अपने दोस्तों को आगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए जी सेटअप भाई का फुल सेटअप, इन्होंने काफ़ी अच्छे सेटअप बनाया और बहुत ही बड़ा लाभ भाई का देख सकते हैं। ये देखिए जी मैं आपको लाफ्ट का पूरा शो करवाता हूँ। काफ़ी अच्छी ब्रीड भाई ने कलेक्शन की है, सियालकोटी कबूतर टैडी कबूतर, आपको सभी कबूतरों का शो करवाऊंगा, आप हमारे साथ बने रहना अंत तक। और यहाँ देख सकते हैं जी इस सेटअप में भाई ने ब्रीडिंग वाले कबूतर रखे हैं, यहाँ पे ब्रीडिंग करवाते हैं। ये देखिए जी कितने प्यारे कबूतर हैं जी, सियालकोटी कबूतर टैडी कबूतर देख सकते हैं जी। काफ़ी अच्छा शो होगा आज की वीडियो में, आप हमारे साथ बने रहना। इसमें पार्टीशन किया हुआ है, उस साइड में सिर्फ नर रखे हैं उड़ाने के लिए, वहाँ पे उड़ाने वाला सेटअप है। देख सकते हैं जी काफ़ी अच्छे कबूतर हैं जी, ये देख सकते हैं भाई ने बहुत ही अच्छे
ब्रीड्स की कलेक्शन की है। ये सभी ब्रीडिंग वाले कबूतर हैं जी। तो सबसे पहले मैं आपको जो भाई ने बाजी में कबूतर उड़ाए थे मैं उनका भी शौक करवाता हूँ। तो बाकी मैं आपको कुछ कबूतरों का अलग वीडियो में आपको शौक करवा बताऊँगा इनके जो ब्रीडिंग वाले कबूतर हैं। तो इस पार्ट में मैं आपको बाजी वाले कबूतर का शौक करवाऊँगा, हम दो पार्ट बनाएंगे। चलिए दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं सोनू भाई जिनकी ये सेटअप है, और इस भाई ने इस सीज़न में जो टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था फर्स्ट पोजीशन में आए हैं और काफ़ी अच्छे कबूतर भाई ने उड़ाए हैं। तो इनको हम अपने तरफ से और हमारे व्यूअर्स के तरफ से हम मुबारकें देते हैं जी। तो नमस्कार भैया जी। नमस्कार भैया जी। तो भैया जी, हमारे तरफ से और हमारे व्यूअर्स की तरफ से मुबारकें जी। तो भाई जी, कितने आपने इसमें घंटे बनाए थे आपने कबूतरों के जिसमें आप फर्स्ट पोजीशन में आए हैं, और कितने भाइयों ने हिस्सा लिया था इसमें? शुभम शर्मा के शहीद की बाजी उड़ी थी, बॉर्डर की पायस्त्राई और सही था। तो इसका कौन ऑर्गेनाइजर? जयपाल भाई, जयपाल भाई, नंदू भाई और अजय सोत्रा और केपी भाई थे, एक दो भाई और थे, उनका नाम नहीं पता जी। जी, तो इसमें फर्स्ट पोजीशन में आप आए, कितने घंटे आपके ये कबूतरों ने बनाए? घंटे बने थे 41 घंटे 48 मिनट। तो कितने बजे कबूतर आपके पास? जो 7 बजे उड़ाने थे 11 बजे का बॉर्डर था। अच्छा, कितने बजे उड़ाए कबूतर? सुबह 7 बजे। अच्छा, 7 बजे से 11 बजे का बॉर्डर। पहला कबूतर मेरा वो जो बैठा 10:48 पे बैठे। अच्छा जी, बॉर्डर से 12 मिनट पहले। अच्छा, उसके बाद दूसरा कबूतर मेरा आया 12:59, 1 मिनट कम 1 बजने का जी। जी, उसके बाद तीसरा कबूतर 1:08 पे जी। चौथा कबूतर 1:54 पे। पाँचवा कबूतर आया 2:20 जी। छठा कबूतर 2:43 पे। सातवां कबूतर 2:45 पे। काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस दी आपके कबूतरों ने। ये सभी को मिला के 41 घंटे और 48 मिनट मिले जी। जी, इसमें फर्स्ट पोजीशन मेरे को मिली जी। तो और काफ़ी अच्छा आपने ये कबूतरों का शौक रखा है। तो बहुत कितने देर से सोनू भाई आप ये शौक रखा आपने? कम से कम कोई हो गया 12-13 साल। 12-13 साल जो बाजी का सीखना कोई 10 साल हो गए मेरे को खेलते जी। 10 साल हो गया खेलते हुए। मैंने 2017 में भी लगी थी, वो शहीद भगत सिंह के नाम से लगी थी, वो भी मैंने विन की थी। उसके बाद 2018 में लगी थी, वो भी मैंने विन की, उसमें मोटरसाइकिल मिला था मेरे को। ऐसे 1-to-1 मुकाबले चलते रहे बहुत। तो और इसके अलावा आपने बाजियां इस बार आपकी कितनी बाजियां? मेरी एक सही में लगी थी बाजी जी, 1-to-1 मुकाबले 2 साल की फिक्स हुई थी जी। इस साल मैं हार गया, अगले साल फिर देखेंगे। अच्छा जी। जी, उम्मीद है। तो हमारे व्यूअर्स को अपने तरफ से कोई मैसेज वगैरह? मैसेज ये है कि शौक को शौक तक रहना चाहिए। कई बार हर आदमी बोलता है कि मेरे लिए कि सोनू हर बार बाजी में गलत करता है, ऐसे नहीं वैसे। बाकी इस बार भी उड़ी है, 16 बंदों का टूर्नामेंट था ये 1600 का। मुनसफ आए थे, उन्होंने खुद देखा कबूतर कहाँ से आ रहे, उड़ के आ रहे या कैसे आ रहे। बाकी ऐसे खुद आंखों से देखना चाहिए और सुनना चाहिए, फिर आगे बात करनी चाहिए इसी। तो दोस्तों, अब हम आपको बाजी वाले कबूतरों का भी शौक कराएंगे। भाई जी, हमारे व्यूवर्स को कुछ बाजी वाले कबूतर जो आपके लास्ट में आए हैं उसका थोड़ा सा शौक करवाएं जी। जी दोस्तों, देख सकते हैं जी भाई के हाथ में कौन सी ब्रीड का कबूतर। भाई से पूछते हैं कौन सी ब्रीड का कबूतर है ये। तो भाई, ये कौन सी ब्रीड का कबूतर है ये? भाई जी, ये कबूतर है परियों वाला। हर आदमी की अपनी भी पहचान होती है जी। जी, हमें जितनी नॉलेज इतना बताएंगे हम जी। ये देख लो, इसको मोरे भी लगी हुई है। ये पहली बाजी में उड़ा हुआ 3 दिन, ये अभी टूर्नामेंट में उड़ा हुआ है जी। ये पहले 2-3 दिन टूर्नामेंट बाजियाँ थी ना, उसमें से अभी 12 बजे प्लस आया था। अच्छा, तो इसके परों का शो करवाना इसके। ऐसे कितना टाइम दे देता था कबूतर? कम से कम 2:30-3:30 के आते थे, सुबह 6 बजे। काफी अच्छे शेप इस कबूतरों के परों की, बहुत ही अच्छा कबूतर है। तो चलिए दोस्तों, दूसरे कबूतर का भी शो करवाते हैं अब।
तो ये कितने बजे कबूतर आया था ये आपका? ये भाई मेरा कबूतर आया था दूसरा नंबर, तीसरा नंबर बैठा था 1:55 पे। इसको स्टैंपे लगी हुई है, ये देखो 4 बजे में उड़ा हुआ घर पे है। ये कौन सी ब्रीड का कबूतर है? ये भैया पेशाबू शाह कबूतर है, काले दुम्बे वाला। हर किसी की अपनी अपनी पहचान है भाई, फिर बोलने में आ रहा हूँ जी। हाँ तो आपकी ये घर के ब्रीड है कि ये आपने? ये घर के ही है बेसिकली, सभी घर के। एक दो है बाहर से पकड़ा हुआ, जहाँ घर पे आ चुका जो बैठा हुआ है, बाकी कोई नहीं। अब बेसिकली आप सभी घर के ब्रीड बुलाते हैं? तो एक आधा होगा बीच में, बाकी नहीं। तो चलिए दोस्तों, तीसरे कबूतर का भी शो करवाते हैं। तो भाई जी ये कौन सा कबूतर है आपके हाथ में? भाई जी बेबी सेविंग हल्का ही है, ये आया था 1:08 पे। इसकी सेंटे लगी हुई है, जेवी घर का पट्ठा। हाँ घर के तकरीबन सभी घर के, एक तो आया बिजली बत्ती के। इसकी आइस का भी शो करवाना। तो चलिए दोस्तों, चौथे कबूतर का भी शो करवाते हैं। तो भाई जी ये कौन सी ब्रीड का कबूतर है? गोल्डन मादी है, जब भी घर के बेसिकली लाहौर की आई थी इधर। अच्छा, में किसी ने पकड़ी से ली थी मैंने। अच्छा गोल्डन मादी। चारों दिन थी, पहले दिन 3 बाजियाँ थी और टूर्नामेंट भी सबसे, चारों दिन 1 बजे के प्लस आई है, 6-7 कैंडे की एवरेज इसकी। इसके बचपन से ही फंग ऐसे ही है। अच्छा बचपन से ही? बचपन से ही ऐसे है। ठीक, इसको जो कड़ी पड़ी है लाहौर की कड़ी है, काफी अच्छी है। इस और प्योरिटी में गोल्डन मालीना है जी, देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कबूतर ही भाई मेरे दोस्त ने गिफ्ट किया, पांचवें कबूतर शो करवाता हूँ। अच्छा ये दोस्त ने गिफ्ट किया? दोस्त ने गिफ्ट किया मेरे को, 2 साल हो गया पर बाजी में उड़ता मेरे। कौन सा भाई का नाम क्या है भाई? तो भाई से इधर रहता है, रमन भाई है, सिंबल में रहता है। सिंबल से भाई? हाँ। तो क्या टाइम ये देता है? ये टाइम तकरीबन 4 बजे के प्लस आता है ये कबूतर। हाँ इसको स्टैंप लगी हुई, देख लो सभी बाजू में उड़ा हुआ है। 4 बजे तक इसकी परवाज परवाज है। इसके परों का भी शो करवाना है इसके, काफी अच्छा कबूतर, परों से भरा हुआ ये कबूतर है दोस्तों, बहुत ही नायाब कबूतर है। पर की शेप देख सकते हैं, चौड़ाई देख सकते हैं, पर की कितनी चौड़ाई है और एक कैसे ग्रिप बनी हुई है कबूतरों की। और ये कबूतर है जी, देख सकते हैं 2:42 पे आया था बाजी वाले। अच्छा बाजी वाले दिन 2:42 पे घर की है। ऐसे दिखने में चीनी काली है, ऐसे में नाम डाला कोर कमांडर। कोर कमांडर? हाँ ऐसे ही अपना नाम डाला इसका, कोर कमांडर। इसका क्या रिजल्ट रहा इस मादी? ये बाजी वाले दिन आई थी 2:46 पे। ऐसे कितने टाइम जो लगाती है मादी? बेसिकली 2:45 में 3 बजे का एवरेज इसकी, 2 बजे के प्लस सुबह 6 बजे उड़ाना। किस ब्रीड से ये आपने ये निकलवाए हैं? ये बेसिकली भाभी का, इसका इधर ही है, उसका भी छोक रहा था अभी।
मेरे से 2 साल से मेरे पास उड़ रही है। कोर कमांडर। हाँ। उसकी बहुत ही प्यारी आईज ये देख सकते हैं जी, काफी अच्छी मजबूत पकड़ इसकी आईज की। इसको छोड़ के देखना, तो ये काला चीना इस मादिन का ये बाप है जी, दोस्तों देख सकते हैं जी, ये काला चीना कबूतर, कलसीरे भी बोल सकते हैं, काला चीना भी बोल सकते हैं। जी दोस्तों ये थे बाजी वाले कबूतर, और आपको कैसे लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अब हम आपको सेकंड बार का भी जल्द आपको वीडियो भेजेंगे, और आप देखना उसमें हम सोनू भाई के जो ब्रीडर कबूतर हैं, डैडी कबूतर, सियालकोटी कबूतर, उसका शो करवाएंगे। आप हमारे साथ बने रहना और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और पसंद आने वाला लाइक भी ज़रूर करना, और कमेंट्स करके भी अपने राय दें। तो थैंक यू दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए।